आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। विधान आयोजक धनपाल जैन सुधांशु जैन परिवार बड़ौत वाले सूरजमल विहार दिल्ली। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सूरजमल विहार दिल्ली। सूत्र सुधार चैतन्य
विघ्न निवारणार्थम अत्र आगच्छ आगच्छ स्थापनम ओम रीम। अब जल छीटे दो। अरे वो छल्ला होगा। वो बात सम वम झम रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा। ओम नमो अरहते रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा। प्रधान जी को जो हो प्रधान जी बोलो आप, क्योंकि ये पंचों का काम है। रूप कुमार जी को भी बांधो। बन गया सुधांशु को बांधे, बन गया सुधांशु तो कब बन गए रूप भैया का आज यज्ञ रूप बन गई सबको बांधे सब बनेंगे नहीं। अर तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापना ओम नीम नवदेव समूह अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधि करणम। ओम रीम नवदेवेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाण। ओम रीम नवदेवेभ्यम नमोलोषण। ओम रीम श्रीम क्लीम अनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः। पवित्र तर जलेन ध्वज दंड शुद्धिम करोमि। मंगल माला सूत्र बांधो। ओम रीम श्रीम झीम ध्वज दंडम माला मंगल सूत्र। सभी लोग अष्ट द्रव्य वहां पर ओम हिरण स्वस्तकादि स्थापनम करो। अब मंगल कलश लो बस ओमी। चलो अब इस कलश उठाओ। मंगलई पूजतई द्रव्य ओम रीम स्वस्ति विधानाय मंगल कलश स्थापनम करो। मंगल कम मुदा ओम रीम अज्ञान तिमिरहरम दीपकम स्थापनम करो। लोकत्र प्रकृत केवल बोध रूपम संकल्प पूजित मिदम ध्वज मर्च लगने स्वरूपियाम सती। मंगल वाद्य घोषे बैंड बजना। हाथ लगाओ भाई। ओम नमो अरहंताणम स्वस्ति भद्रम भवतु सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु। सही गई। गोपदेय महत पताको क्षणम विदत। ओम रीम अरहम जिनशासन पताके चतुष्ट तिष्ट तिष्ट पुष्प ऊपर। सजय तु जिन धर्मो अग्नि पर देखो। सजय तु जिन धर्मो यावत चंद्र तारा व्रत नियम तप होती है। बहुत अच्छा है। ये आपके जो भावना है वो पूर्ण होंगी। उत्तरासन तो याति वायव्यो दिशा से एतान ततो वृष्टि। अगर पश्चिम दिशा में चली जाए तो वृष्टि महोत्सवी। ये ध्वजा उत्तर पूरब में गई है। ये संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली है और यह सभी को जो विधान में सम्मिलित होंगे उनको आरोग्य लाभ देने वाली है। सीधे कोई नेक राह पर चलना करुणा इच्छाओं में बाबा रखना। सीधे कोई नेक राह पर चलना कुकुलम अवधारयामि। रत्नमाला दी है इन्होंने आपको। माला दी है। नाम तो रत्नमाला है लेकिन चाहे आपके नकली मोतियों की हो असली मोती पहन सकते हो तो असली पहन के आना। इति रत्न कंठ का जो आभरण है। अरे महिलाएं जो हार पहने हुए हैं जने 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 ज
सभी को ले लीजिए, जेंट्स को ले लीजिए। जनेऊ जरूर पहननी है हमको, पवीतम सामने खड़े पंडित साहब। हाँ जनेऊ जरूर स्वीकृता से तारचंद जी राजू मौन को धारण करते हैं। हाँ सभी लोग मौन को धारण कर लें और देखिए हम सभी ने सदनीय डॉक्टर साहब का आचार्य निमंत्रण क्रिया संपन्न की। अब जो भी गुरु जी आदेश देंगे निर्देश देंगे आप सभी को उसका पालन करना है। तो देखिए सबको देख ध्यान रखना है तिष्ठा तिष्ठा विघ्नम निवार्य निवार्य विधीयमान कार्य सहयोगम पुरोत पुरोत। अब भो वायु कुमार मंडल के ऊपर पुष्प छोड़ भो वायु कुमार वायु कृत विघ्नम निवार्य निवार्य विधीयमान कार्य सहयोगम पुरोत पुरोत। पंडित विमल जी पांचों कलश ये वहां ले जाओ योगी स्थान है तिष्ठा तिष्ठा निवारण अच्छे वचन स्वस्ति संगा अहर अहर अभिवृद्धि चैत्यालया कल्याणार्थम पुष्पांजलि। अब मूल बंदर कलश जो प्रणाम करो आप चारों दिशा चारों कोने जो सस्ती बने ना इन पर करो ये जो है मंगल कलशम स्थापना करो चंदन कंकुल पुष्प चले सिद्धि कवन कल दान रवा फूले जिन ग्रह
साधु पंच परमिष्ठे भ्यो अर्घ्यं नमामि तीश्वरामे भ्यो अर्घ्यं नमामि तीश्वरा उदकी चंदन तंडुल पुष्प कैसे चरसती सुधूप पलार के कई अवल मंगल प्रभा तुले ओम ह्रीं त्रिन्यून नव कोटि मुनिराजेभ्यो आचार्य कुंद कुंद परंपरायां वर्तमान परंपरायां चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर आचार्य श्री वीर सागर आचार्य श्री शिव सागर आचार्य श्री ज्ञानवान की भाई का दो दो लाइन बोली महावीर भगवान की बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की क्या बात है आइएगा स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभासिताय स्वस्ति त्रिलोक विदिताय किचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रकाल सकला पुण्यं समग्र महमेक मनाजोमि। देखिए अभी संकल्प वाक आया बनाया मैंने कलश स्थापित किए सामग्री दी विद्वान को बुलाया तेरी शरण में प्रभु तेरी शरण में आए हम पुजारी तेरी शरण में आए हम पुजारी और श्री कृष्ण स्वस्ति श्री श्रीमति स्वस्ति स्वस्ति श्री परम प्रभु श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री हंस स्वस्ति 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 श्री अनंता श्री स्वस्ति स्वस्ति मुनि सुकृता। देखिए यहाँ हमारे संगीतकार ने बोला है भगवान की बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की तुम्हें हम याद करते हैं जहाँ हो प्रभु चले आना तुम्हें हम याद करते हैं चले आना तुम्हें हम याद करते हैं कहीं से भी चले आना। और जब भगवान को बोला ना तो दोनों हाथों को खोलेंगे ताली बजा दे भगवान साज ढल में लगी प्रभु पर झलक अपनी दिखा चले आना बुलाने तक चले आना दुकाने तक चले आना बुलाने तक चले आना विद्या प्रथम पाद उर्वे लोहा इस पर मना पर यही शुद्ध बोला विद्या मणि वन प्रबोला स्वस्ति प्रज्ञा प्रधाना समणा समृता वृत्ति की बुद्धा सर्व पूर्वै प्रवादिनोष्टा निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासो परमर्षयो चिंता नलशीनी फलांबुतंतु प्रसूतीनां पुरचारिणाः नभो गणस्वे विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासो परमर्षयो सदयस्तथाशी
दिशा दिशा दृष्टि सकल जल मलौषिशा स्वस्ति क्रिया सौपर्मर्शयो क्षीरं स्रवन्तो घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽपि व्रतं स्रवन्तः अक्षीणि संवास महानसाश्च स्वस्ति क्रिया सौपर्मर्शयो जो शक्तिधारी उन महामुनियों को हमने स्मरण किया है, इनकी विशेष हम चौथे दिन समझाएंगे। जब 64 सिद्धिधारी पूजा करते हो, जैसे अगला जो वर्ण दुत्त होता है, दो अक्षर मिले हुए होते हैं, तो पहले वर्ण पर जोर देना चाहिए। पद्म प्रभ नहीं बोलोगे, पद्म प्रभ बोलोगे। सोना पड़ा रे मकान कैसा पड़ा, अरे मेरा सोना सोना मेरा सोना मेरा सोना पड़ा रे मकान हमारे घर सोना पड़ा रे मकान हमारे घर बिहार में रंग बने रंग बने आज नगरिया रंग बने Thank you.
दे संसार जिंदर जिना गंदे चै चेतन गुणमा संसार का विनाश नाय चंदनम रूपानी ती थाली की प्रभु की थाली सच की आई थी वो यहाँ पर ही थाली देते जा रही है। खबरदार होशियार के साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं ओ यूं बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा, यूं बन के बाबरा जो भी निहारे हैं जो भगवान उन्हीं को देव कहते हैं, घोलते वाणी में अमृत उसी को वेद कहते हैं, मिल जाए कोई साबक उसी को देव कहते हैं, और जो धर्म पर अमल करता है उसी को ये कहते हैं। आइएगा आगे ये भक्ति के साथ इनके लिए जोरदार ताली बजाएगा, जोरदार ताली बजाए और तालियों के साथ यूं बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा, यूं बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा। क्यों सूरजमल बिहार का जादू है क्या, ये बाबा का जादू है नहीं खुली। दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें, क्या बात है, ताली बजाएं। अरे मेरी किस्मत
किस्मत किस्मत भूल गई रे पावन को पाती तेरी किस्मत किस्मत भूल गई रे पावन को पाती पावन को पाके बनवाजू में नाचे गाते पावन को पाके बनवाजू में नाचे गाते तेरी जानी तेरी जानी तेरी जानी तो ना हो गई रे पावन को पाके तेरी जानी तो ना हो गई रे पावन को पाके सुधांशु भैया मेरी चांदी सोना हो गई रे बाबा तुझको पाके चांदी सोना आरिका रत्न ज्ञानवती माता जी के द्वारा जो टोली लायो ये मरवर टोली लायो
टोली नायो ए भर भर टोली नायो मैं तो भर भर टोली नायो मेरे पूरन मेरे पूरन मेरे पूरन कर दो आज ही अक्षत चरण में लायो मेरे पूरन कर दो आज ही अक्षत चरण में लायो और ओ चीन चंद के समान अस्थान लाए के कर्ण के समीप सार कुंज को जाए के ऐसे अक्षत लेके आता है सौंदर्य फैन चंद के समान अक्षतान लाए। अरे जो फैन समुद्र का फैन सफेद और चंद्रमा के समान बिना टूटा हुआ चावल अनी कनी और ऐसे चावल लेकर के आया है अक्षत ही क्यों लाया? क्योंकि अक्षत से अक्षय अवस्था मिलती है, पुनर्जन्म खत्म हो जाता है। एकमात्र चावल है ऐसा धान में जो वो तो उपजता नहीं, समझ गए ना? इसलिए अगर हमें भाव भाव को समाप्त करना है तो अक्षत समर्पित करना है। अगर गेहूं समर्पित करोगे तो फिर से पैदावार हो जाएगी और वो योनि भूत होता है, वो चढ़ाना वर्जित है। तो जैन शासन में चावल इसीलिए चढ़ाए जाते हैं कि अयोनी भी अपनर्भाव है, इससे पुनः भाव की प्राप्ति नहीं होती। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम रोमामिति ईश्वर। अरे कुलदीप ये मुस्कुराते रहे सच बता दो कहीं तुम वही तो नहीं पारस नाथ तो नहीं जिनके सपने रोते रहे पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय
नैवेद्यम निरूपामिति। चलिए बस सही बात है, अब वो समिति बनाने जा रहा। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम रूपामिति स्वाहा।
प्रजापति शेष महान साधु प्रताप करे संता दुलैना रचीन दिदी छे वास कथा बने चपो पुरुषो अपा तोट कन्या कुमार सुर नर चारण बंधन आवे दोषो
शोभा अब नियम बगावे पंचमी रंग की आरती पड़े समय जो कोई ध्यान फल जाने प्रभु तुरंत महा ओ प्रिय पंचमी संबंधी असी भी जनाल सब दिन में दो पूर्ण आरगन प्रांति नंदीश्वर पूजन खड़े हो जाओ सारा पे परब में बड़ रीपे दुई पंचासा जनाल जिन प्रतिमा समूह आत्र अवतार अवतार संभूषण आह्वान ओम रहीम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशत जिनाले जिन प्रतिमा समूह आत्र तिष्ठ तिष्ठ प्रकाश स्थापना ओम रीम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशत जिनाले जिन प्रतिमा समूह आत्र मम सन्निधो भव सट सन्निधि कर्म परि पुष्पांजलि कंचन मणिमय भिंगा तीरा तुम तने मानि लखे मेरे कर मन गीरा ज्ञान कड़ी दरसे और जी सखि जिन धाम बावन आज हम उस मतलब बोली में तुतलाते हों उच्चारण साफ ना हो शुद्ध उच्चारण ना हो शब्दाचार अर्थाचार का ज्ञान ना हो उसे पंच विधान कराने का अधिकार नहीं है वो विद्वान की गोदी में नहीं है चारों अनियोगों का अध्ययन भी होना अति आवश्यक है तो क्या कह रहे हैं देश काल विधि निपुण मति निर्मल भाव उदार विद्वान वह बुलाइए जो देश को जानता हो काल को जानता हो बुद्धिमान हो और निर्मल भाव वाला हो विधान करते समय उसको अब पूर्व दिशि महान स्वामी अष्टि अग्नि अब आगे दिशि में जाते हैं ओम ह्रीम अर्हम का खा 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 अंगा अनहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते आग्ने दिशि अर्घ्यम नृपान्ति स्वाहा वर्ग च वर्ग प्रसिद्ध मिले ही बस विदेश पूजा करो ओम अरहम चा 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 वा अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते दक्षिण दिशि अर्घ्यम नरोपामिति वर्ग च वर्ग प्रशस्त स्वामी जल फला दिशु अर्घ्य पाओ सब विधि शस्त्र स्वामी ने रिच अर्जा करो कुलदीप इधर के उत्तर प्रदेश आदि में आने खाली पड़ाते हैं ना वो गलत ना वहाँ ना ना वहाँ यह लोग आने ना ये टीचर्स को भी बताया ओम ह्रीम अरहम टा ठा डा ठा ढम अनहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते नैऋत्य दिशि अर्घ्यम नृपान्ति ओम ह्रीम अरहम ता था दा धा न अनहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते पश्चिम दिशि अर्घ्यम नृपान्ति अनाहत्माय सिद्धाधिपति ईशान दिशि अर्घ्यम नृपान्ति चलिए अब खड़े हो जाओ इंद्र परिवार सभी इंद्र जाओ परमेश्वर
अत्र तिष्ठ ठा स्थापना ओम रीम नमो सिद्धाणम अष्टगुण संयुक्त सिद्ध परमेश आत्मम सन्नीतो भावो भाव वसत भाई जिन्होंने कर ली वो स्थान को छोड़ते जाओ चक्र कितने तीर्थंकर हो सकते हैं अचल विहार करें नक्षत्रों की राशि शोभायमान हो रही है और मेरे मन को आनंदित कर रही है। ओम रीम नमो सिद्धार्थ श्री संवत्रानंदन अष्टगुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वर काम बाण विध्वंसनाय पुष्पं रूपं उत्तम अंतर्गत अष्ट करो और जब मोहिनी कर्म नष्ट होता है
तो अनंत सम्यक और अंतराय खत्म होता है तो अनंत वीर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अब सूक्ष्मत नाम कर ओम ह्रीम सूक्ष्माय नमः अनर्घपद प्राप्ते अर्घम प्राप्ति स्वाहा। इसी प्रकार से गोत्र कर्म नष्ट होने पर अहु लघु गुण की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीम अहु लघुवे नमः अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम प्राप्ति। Bye.
Thank you.
पार्श्वनाथ भगवान की
अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोले संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर महाराज की, तीन कम नौ करोड़ महाराज की, ऐसा होना पड़ेगा आपको कैसे मना मुखा सिद्ध की स्वरूप का मंगला चरण सिद्ध कौन तो ज्ञानोपयोग विमलम जिनका उपयोग ज्ञानमयी है और विमल है ज्ञान दर्शन रूप उपयोग वाले उपयोग जीव का लक्षण विमलम विमल है विमल माने पूर्ण निर्मल जीव की आत्मा है स्वरूप है विशदात्म रूपम विशद स्वच्छ आत्मा का स्वरूप है और कर्मोग कक्ष गहनम जिन्होंने कर्मों के समूह को विनष्ट कर दिया है सुख सस्य बीजम सुख रूपी धान्य धान्य जानते हैं ना अनाज सुख रूपी अनाज का जो बीज स्वरूप है परम सुख अगर कहीं है तो सिद्धावस्था में कुछ लोग कहते हैं चार कोटियां हो गई सुखी हूं कुछ लोग कहते हैं कि हम चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त हो गया सुखी कभी विचार करना कि भरत चक्रवर्ती के पास छह खंड की विभूति थी और उस विभूति का स्वामी होने पर भी उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं पूर्ण सुखी हूं जब वह मुनिराज को आहार कराता है सर्वतो भद्र भवन में ले जाकर एक दरवाजे से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे ऐसे अनेक दरवाजों के माध्यम से सर्वतो भद्र भवन में प्रवेश कराता है तो मुनिराज के आहार होने के बाद चरणों में मस्तक रखता है भरत चक्रवर्ती और कहता है मेरे इस भवन में इतने दरवाजे और टेढ़ा मेढ़ापन है तो मेरी आत्मा में कितना टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होगा जब भरतेश्वर ने ये शब्द कहे तो मुनिराज ने यही उत्तर दिया हे वत्स यही तो विशेषता है टेढ़े मेढ़े भवन में रहने वाले का मन सीधा है यदि तेरी विशेषता है इसीलिए एक इसी भाव से तुझे मुक्ति मिलना है ये तेरा एक ही वैशिष्ट है और भक्तेश्वर की उस बात पर मुनिराज के उत्तर को सुनकर भक्तेश्वर संतुष्ट हुआ और इस सारी विभूति को उसने धूल समझा धूल सब छोड़ना है सब छूटना है कोई साथ नहीं जाना है उस चक्रवर्ती भरतेश्वर की बात बता रहा हूं कि वह भरतेश्वर अपने पिता ऋषभदेव के केवल ज्ञान होने पर बहुत सुंदर बात सुनता है कि उसके पास तीन प्रतिहारी आते हैं द्वारपाल पहला द्वारपाल आता है स्वामी की जय स्वामी की जय कहते हैं हे द्वारपाल क्या सूचना लाए हो स्वामी आपके अंतःपुर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई किसकी प्राप्ति पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आपको पुत्र होता है तो उछलते ऊंघते लेकिन
हरदेश्वर ने क्या कहा कि अपने दाएं हाथ का कंगन उतार कर उस द्वारपाल को उपहार में तो दे दिया, जाओ और अपने सिंहासन पर बैठे। इसके बाद दूसरा द्वारपाल आता है, वो भी यही कहता है, भरतेश्वर की जय, स्वामी आपकी जय, आपकी आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। चक्ररत्न की उत्पत्ति का मतलब है छह खंड के राजा आप हो गए, पांचों मिलेच्छ खंड के स्वामी और आरी खंड के स्वामी आप एकमात्र बन चुके हो, आपके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, सब पर विजय आपकी होगी, आपके पास ऐसा अस्त्र आ गया है। तो वह बाएं हाथ का कंगन उतार कर उस द्वारपाल को दे देते हैं, सिंहासन नहीं छोड़ते। इसके बाद तीसरा द्वारपाल आता है, बड़ा खुश और उसकी खुशी को देखकर भरतेश्वर कहते हैं कि क्या कारण है द्वारपाल इतनी प्रसन्नता का। स्वामी बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं महास्वामी को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने पर आत्मा 5000 धनुष ऊपर चली जाती है। 5000 धनुष का मतलब है, कभी नोट करना, 5 नीम 5 फलदान 100 गज प्रमाण आत्मा ऊपर चली जाती है, अर्थात वह स्वामी स्वयं चले जाते हैं ऊपर। जिसको केवल ज्ञान होता है वो सशरीर इतने आसमान में पहुंच जाते हैं, उनके दर्शन नीचे और तुरंत संधर्म इंद्र आता है और वह 12 सखाओं की रचना करता है, समोसरण की रचना करता है और उसमें बैठते। ऐसा ही हुआ, जब शबदेव को केवल ज्ञान हुआ तो उनका शरीर भी 5000 धनुष ऊपर चला गया और 12 सभाओं की 12 मील विस्तार वाला समोसरण शवधर इंद्र ने रच दिया। शवोर से इस समोसरण की रचना को देखकर देव देवांगनाएं जय जयकार करते और स्थिति क्या होती है कि इस दृश्य को वह द्वारपाल देखता है कि 6 ऋतुओं के फल फूल हमारे उद्यान में हो गए हैं, असमय में पुष्प पुष्पित हो गए हैं, असमय में फल लग गए हैं, शीत ऋतु में अगर आम के फल लग जाएं, अगर जो भी जिस ऋतु के फल हैं उस ऋतु से भिन्न ऋतु में फल आ जाएं, तो निश्चित रूप से पुण्य का कार्य तो है, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है। उस द्वारपाल ने देखा और भरतेश्वर की सभा में पहुंचता है वह द्वारपाल, तो कहता है महाप्रभु को केवल ज्ञान हो गया, अब तो भरतेश्वर आसन पर नहीं बैठे, पुत्र रत्न हुआ आसन नहीं छोड़ा, चक्र रत्न मिला आसन नहीं छोड़ा। लेकिन जब इस बात का पता चला कि महाप्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसने आसन छोड़ दिया, 7 पैर आगे बढ़कर और महास्वामी को नमस्कार करता है, साष्टांग नमस्कार करता है ऋषभदेव भगवान को। भरतेश्वर क्यों क्यों इतनी खुशी हुई? भरतेश्वर आज हमें महाप्रभु की वाणी सुनने को मिली, आज हमें महाप्रभु की वाणी सुनने को मिलेगी, जो मैं इतने 1000 वर्ष की तपस्या उनको हुई और 1000 वर्ष की तपस्या के काल में उन्होंने 1 शब्द तो नहीं बोला। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं, तीर्थंकर के मुख से 1 शब्द नहीं निकलता है, वाणी मुखरित नहीं होती है। और 1000 वर्ष की साधना ऋषभदेव ने की और उनकी वाणी मुखरित नहीं हुई, तो देखो जब पिता की वाणी सुनने न मिले
तो पुत्र को बेचैनी तो होगी होगी, और उन पुत्रों को बेचैनी थी, भरतेश्वर को बेचैनी थी, आज वो बेचैनी दूर होगी। क्यों? महाप्रभु की वाणी सुनने मिलेगी, क्योंकि उनकी वाणी इस शास्त्र की वाणी है, उनकी वाणी ही जिनवाणी है, और जिसको जिनवाणी सुनने मिलती है इससे ज्यादा पुण्य का कोई अवसर नहीं होता। एक एक शब्द अमृत तुल्य है। आचार्य भगवान कहते हैं, भरतेश्वर ने घोषणा कराई कि हम सब परिवार दिव्य ध्वनि सुनने के लिए समक्ष शरण में चले हैं। पूरा परिवार जाता है, वो आगे जाते हैं और सम्मिलित होते हैं। जो ही चक्रवर्ती पहुंचता है अथवा श्रेष्ठ पुण्य वाला पहुंचता है, कोई तीव्र पुण्यात्मा पहुंचता है, तो प्रभु की वाणी असमय में भी गिर जाती है। और वही भरतेश्वर ऋषभदेव महाप्रभु के प्रथम श्रोता बने। प्रमुख श्रोता अगर कोई थे तो भरतेश्वर थे, और उनके पहुंचते ही उनकी दिव्य ध्वनि खिली। दिव्य ध्वनि में छह द्रव्य, नौ पदार्थ, सप्त तत्व की रूपणा होती है। दिव्य ध्वनि में संसार के स्वरूप का बोध भी हो जाता है। दिव्य ध्वनि में आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आत्म बोध हो जाता है। इसलिए उस दिव्य ध्वनि का खिलना, भरतेश्वर के आनंद का होना, संपूर्ण परिवार की कर्म निर्जरा होना, संपूर्ण परिवार में वहां पर उन्हीं भरतेश्वर की उस सभा में 4000 राजा तो उनके साथ ही दीक्षित हो गए थे, और अनेक पुत्रों ने उसी समोशरण में दीक्षा ली। सबसे बड़ी बात है कि उस समोशरण की विशेषता नारी पर्याय जयवंत हो गई। उससे पहले किसी नारी ने आरिका दीक्षा नहीं ली थी, और उन्हीं की दोनों बेटी ब्राह्मी और सुंदरी ने उसी समय तीर्थंकर कभी किसी को दीक्षा देते नहीं थे। उनके पादमूल में जो भी भव्यात्मा होते हैं, जिनका कल्याण होना होता है, जिनके पुण्य का उदय होता है, उनके अपने आप भाव जागृत हो जाते हैं और वो दीक्षित हो जाते हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि पुण्य की भी बड़ी महिमा है। पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, पुण्यम् नेच्छन्ति मानवा, फलम् नेच्छन्ति पापस्य, पापं कुर्वन्ति यत्नतः। लोक के प्राणी पुण्य का फल चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन पुण्य नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं, पंडित जी समय ज्यादा ना लगे। अरे ये भव्य जीवो, कितना पुण्य का उदय हुआ कि तुम्हारे कानों में जिनवाणी के शब्द सुनने को आ रहे हैं, तुम्हारे कान पवित्र हो रहे हैं, तुम्हारी आत्मा की अज्ञानता दूर हो रही है। और अगर संसार में सबसे बड़ा दुख है तो कोई है अज्ञानता। पूछा गौतम स्वामी से एक शिष्य कि हे स्वामी, दुख क्या है? उन्होंने कहा, दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है। दरिद्रता माने गरीबी। गरीबी में आप जानते हो सब लोग गरीब का उपहास करते हैं, गरीब के लिए लोग सम्मान नहीं देते, तो गरीबी दुख है। इससे बड़ा दुख है क्या स्वामी? शिष्य ने फिर प्रार्थना की, जिज्ञासा की, तो गौतम स्वामी ने उत्तर दिया। आप लोगों को जीवन में गौतम प्रार्थना ग्रंथ है पढ़ने नहीं मिला होगा, लेकिन अगर उसकी बातें मिलती हैं बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इससे भी बड़ा दुख है? हाँ, दरिद्रता से बड़ा दुख रोगी है। रोगी होना भी बहुत बड़ा दुख है। दरिद्रता सहन कर ले, गरीबी सहन कर ले, लेकिन रोग में तो हाय हाय बड़ा दुख कष्ट होता है। स्वामी
इससे बड़ा दुख है क्या? फिर उत्तर मिला कि हाँ इससे भी बड़ा दुख है ऋणी, ऋणी जानते हो ना, कर्ज लेना। जो कर्जीला व्यक्ति है सब जगह अपमान को प्राप्त, जा रहा है मंदिर के सामने से तो मंदिर से निकलते सारा सुनिए सुनिए, अरे खड़ा हो गया बेचारा, खड़ा हो गया, अरे तूने वो पैसे नहीं पहुंचाए, बेचारा लज्जित हो गया, आतुर रहा था देव दर्शन करने के लिए, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न से उस पर घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया, उसका मन लटक गया, दुखी हो गया। देव दर्शन की जो प्रसन्नता थी उसको वो प्रसन्नता काफूर हो गई। तो फिर ऋणी भी बहुत बड़ा दुख है, इससे बड़ा भी दुख है स्वामी। उत्तर मिला गौतम स्वामी से, हाँ आज्ञाकारी पुत्र का पिता ना होना, जिसका बेटा अपने बाप की अवहेलना करता हो, जिसका बेटा अपने बाप की आज्ञा न मानता हो, ऐसा बाप होना और ना होना बराबर है, ऐसे बाप से तो बाप ना होना ही बहुत अच्छा है। गौतम स्वामी कह रहे हैं, नहीं कह रहा, क्योंकि पुत्र वही श्रेष्ठ है जो पिता की आज्ञा पालन करता हो, पिता से बात करता हो, पिता से प्रश्न पूछ कर कार्य करता हो, बहुत बड़ा पुण्यात्मा जीव होता है, इससे बड़ा भी। हाँ अब सुनो, दरिद्री रह गई, रोगी रह गई, ऋणी भी कट जाए टाइम, और बाप की आज्ञा न माने वो भी चलेगा, लेकिन कलह कारणी गृहिणी का स्वामी उससे भी बड़ा दुख है। पकड़ में आई बात, जिसकी पत्नी निरंतर उठते बैठते कलह करती रहती हो, किचकिच करती रहती हो, फिर झगड़ा, वो व्यक्ति बड़ा दुखी होता है। वो क्या कहता है, इससे अच्छा तुम्हें आत्मघात कर लो, सुसाइड कर लो। समुद्र में डूब जाता है, तालाब में कूद जाता है, कुएं में डूब जाता है, अग्नि में जल जाता है, पहाड़ से गिर जाता है। कल है कारणी गृहिणी का स्वामी, इससे बड़ा तो खेल क्या स्वामी। बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि इससे बड़ा अगर कोई दुख है तो अज्ञान दुख है, अज्ञान से बड़ा दुख नहीं और ज्ञान से बड़ा सुख नहीं। इसीलिए कहा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा रोग निवारण, ज्ञान के समान सुख का कारण नहीं। और हमारी जैन समाज का ही बड़ा बुरा हाल है, और महानगरों में विशेष है, नहीं तो आप बुंदेलखंड में जाओ, अगर धोखे से सुनने मिल जाए पंडित जी आए तो पता नहीं चलता है, घंटे भर में पूरी खचाखच हाल, सवेरे कितनी भीड़ थी और अब देख रहे असली समय है, उस समय की पहचान नहीं। इस समय की पहचान तो किसी किसी भव्यात्मा को होती है, क्योंकि किसी जिनवाणी के शब्द सुनने मिल रहे हैं। वर्तमान काल में अगर कर्मों को नष्ट करने का कोई उपाय है, आत्मा को ऊर्ध्वारोहण करने का कोई उपाय है, तो केवल शास्त्र स्वाध्याय है, दूसरा कोई नहीं। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज हमेशा कहा करते, स्वाध्याय करो। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की समाधि हुई तो अंतिम संदेश पढ़ो, कभी मंदिर में लिखवाना चाहिए, भय मा करो, भय मा करो, भय मत करो, क्या डरो मत, संयम ग्रहण करो, शास्त्र पढ़ो, संयम ग्रहण करो। उनने ये बात कही, स्वाध्याय करो। आचार्य वसुनंदी ने कहा है कि स्वाध्याय से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। तो मेरी बात को इसीलिए भरतेश्वर इस बात को जानते थे कि वर्तमान में अगर कुछ कल्याण का मार्ग है तो भगवान की वाणी से ही कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। तो वो आप जैसे अस्पताल नहीं भागेंगे कि बहू के पुत्र हुआ है, वो जिनवाणी सुनने आएंगी सबसे पहले भरतेश्वर यही गए, पूरा परिवार।
और भगवान ऋषभदेव की वाणी सुनी और उनने अज्ञान रूपी दुख को दूर कर दिया। अज्ञान रूपी दुख जिसका दूर हो जाए तो उसको ज्ञानोपयोग विमलम, उसकी आत्मा ज्ञान से विमल हो जाती है और ज्ञान से विमल आत्मा ही सर्व सुख को प्राप्त करती है। हम प्रश्न करते हैं, क्या आप सुखी होना चाहते हैं? सब कहते हैं हम सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होना चाहते हैं तो सुख का उपाय भी तो करना होगा। सुख का उपाय एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य छोड़ देने का नाम सुख का उपाय नहीं, वो पूजन नहीं है। पूजन करते करते पूजन की क्षणों में भी एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। पूजा की क्षण वह पल है जिसमें शांति का लाभ होता है, जिसमें ज्ञान का उद्भव होता है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का दर्शन होता है। वही तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से सहयोगी बनता है। तो आचार्य भगवान हमेशा समझाते हैं कि हमें जब मौका मिले तब शास्त्र जरूर सुनना चाहिए। ये फाल्गुन आष्टानिक पर्व है और फाल्गुन आष्टानिक पर्व में अगर महाबल ने सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों की आराधना ना की होती तो वो महाबल दसवें भाव में तीर्थंकर ऋषभदेव ना बनते। महाबल का मंत्री स्वयं बुद्ध था, वो भूमि में था और ये दीप पहुंच गया, वहां संबोधन किया। लेकिन जब महाबल राज कर रहे थे, उनका मंत्री स्वयं बुद्ध संबोधन करता है, समझाता है उस विख्यातशी राजा को कुछ करो ना करो, फाल्गुन आष्टानिक पर्व आया है, सिद्धों की आराधना कर लो। वैसा कार्य किया महाबल ने तो वो महाबल उसी सिद्धों की आराधना के फल से क्या बना बताओ? ललितांग देव बना। दूसरे स्वर्ग में ललितांग देव बना सिद्धों की आराधना करने से। और ललितांग देव की अवस्था में भी उसने ललित वृक्ष के नीचे बैठ करके अनंतानंद सिद्धों की आराधना की, उसने अरहंतों की आराधना की। फलस्वरूप वह वज्रजंग राजा बनता है और वह स्वयं आकर के उसकी पत्नी श्रीमती साथ जन्म लेती है। वज्रजंग क्या होता है? जब ससुराल जा रहे थे तो वह रास्ते में रात्रि हो जाती है, अप्रभात काल होता है। प्रत्येक श्रावक प्रभात काल में खाना पीना स्वयं नहीं सोचता, विचार करता है पहले साधु को आहार कराएंगे फिर हम भोजन करेंगे। वैसा ही वज्रजंग ने किया तो दो मुनिराज आकाश से उतरे। कौन कौन? एक सागर से, दूसरे दमधर। दोनों मुनिराज उन्हीं वज्रजंग के पुत्र थे। 100 पुत्रों ने दीक्षा ले ली थी और उन्हें आहार दिया तो उसका परिणाम हुआ वज्रजंग और श्रीमती भोग भूमि में जन्मी। भोग भूमि में जन्म कर इवलिया बनते हैं, बाद में वह आकर के देव बनते हैं। देव बनने के बाद सुमेधी राजा बनते हैं। उनकी पत्नी दूसरी पर्याय में पहले देव बनती। भोग भूमि का नियम है, भोग भूमि से जो आयु पूर्ण करेगा वो नियम से स्वर्ग में जाएगा और कहीं जन्म नहीं लेता। नियम है, नियम पक्का। तो वो स्वर्ग से आते हैं, फिर राजा सुमेधी बनते हैं, पत्नी उन्हीं का बेटा बन जाती है। देखो ध्यान रखना कि संयोग है संसार का। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हुआ स्त्री पर्याय का छेद हो गया। सम्यक दर्शन ही स्त्री पर्याय, फिर स्त्री नहीं बनना है। अगले भवों में स्त्री ही जानती है स्त्री पर्याय के दुख,
एक बार किसी को संतान उत्पन्न करना पड़ती है तो वह उस संसार के चरम दुखों को देख लेती है और कितना कष्ट का अनुभव करती है, उसका एक पुनर्जन्म सा होता है, सब सहन करती है। तो स्थिति ऐसी होती है कि वहां से सम्यक दर्शन प्राप्त होने से वो केशव बनते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं सुवेदि राजा और आकर वह वज्रनाभी चक्रवर्ती बनते हैं और अपने पिता वज्रसेन की पाद मूल में क्या करते हैं, सोलह कारण भाई सुतीर्थंकर जीव है, हर से इंद्र अपार मेरु पर नहीं है। सोलह कारण भावनाओं का चिंतवन करती है वो आत्मा और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेती है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेती है, सर्वार्थ सिद्धि में जन्म ले लेती है, तीति सागर महा आयु पूर्ण करती है और फिर भारत क्षेत्र के इस अयोध्या नगरी के महाराजा नागिराय की पटरा की मरु देवी के गर्भ में वही आत्मा आती है और भगवान ऋषभदेव के रूप में जन्म लेती है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। देखिए उन ऋषभदेव की इस विशेषता को मैं बताता हूँ, हम भी तीर्थंकर बनना चाहते हैं तो हमें भी उन्हीं जैसी भक्ति करना होगी, उन्हीं जैसे परिणाम शांत करना होंगे। करने से ही कार्य फल मिलता है, जो जैसी क्रिया करता है वो वैसे, अभी मैंने कहा ना उन सब चाहते हैं मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं स्वधर्म बनूं, सब चाहते हैं, मेरे भी दस दस कोठियां हों, मेरे भी गाड़ियां बड़ी बड़ी हों, दस गाड़ियों का स्वामी हो, सब चाहते, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। पुण्य अगर पहले नहीं किया होता ये तो नष्ट हो गया भाई। आज जो प्राप्ति हो गई तुम्हें वो बंधा हुआ पुण्य क्षय हो गया, उदय में आ गया, अब आगे पुण्य का आश्रव करोगे तभी अगले भव में अगली अवस्था में मिलेगा। अगर उस पुण्य का योग नहीं जोड़ा, भक्ति का योग नहीं जोड़ा तो कभी कुछ मिलने वाला नहीं। तो इसलिए मैं एक वाक्य इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि इन दुर्लभ क्षणों को नहीं छोड़ना, ये जिनवाणी सुनने के लिए बहुत दुर्लभ क्षण है। हम जानते हैं कि जब मुनिराज स्वाध्याय करते थे हमारे साथ मुनि सौरभ सागर महाराज और मुनि पूर्ण सागर महाराज, मैंने अनेक साधुओं को जब पढ़ाया स्वाध्याय कराया तो जब देखता था पता चल जाता है, आप ही देखो कि कौन भव्यात्मा है, कौन दाना अच्छा बीज है, पता चलता है ना, दाने को देख करके आपको उसकी योग्यता का पता चल जाता है। आम की ढेरी में से आम को देखकर आप कहते हो ये सबसे स्वादिष्ट आम है, क्योंकि उसकी चमक अलग ही दिखाई देती है। इसी तरह से पुण्यात्मा जीव अलग ही दिखाई देता है। जो जीव तुम्हें देखता था सौरभ सागर महाराज लगन से पढ़ते, पूर्ण सागर नहीं पढ़ते, वो इधर देखते वो इधर देखते, यहाँ भी सभाओं में होता है, कुछ ही भव्यात्मा होते हैं जो जिनवाणी के सुनने के लिए लालायित रहते हैं, बहुत इच्छुक रहते हैं, वो क्षण कम मिलेगा, मुझे भी शास्त्र के दो शब्द सुनने को मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, जिन वयणम उषयेणम विषय स्वयविरेणम अमे भूयम जर मरण वाई हरणम खय करणम सर्व दुख हरणम, ये शब्द सुन लोगे ना तो निश्चित रूप से आपके ताले खुल जाएंगे। जिन वयन मोसना, ये शास्त्र के वचन ऐसी औषधि है, परम औषधि जो संपूर्ण विकार को दूर कर देती है। समझो किसी वैद्य के पास जाते हो और ज्वर है बुखार है, तो वो वैद्य क्या करता है,
नाड़ी देखता है, वही बता रहा हूं, आज के डॉक्टर नहीं बता रहा, नाड़ी देखता है, समझ लेता है इसको मल जमा हुआ है, इसकी सफाई करना होगी, और पहली दवाई को वही देता है जिससे आपके पेट की सफाई हो जाती है। गंदगी का साफ होना स्वस्थता का अनुभव होना है। इसी तरह से आत्मा में भी पापों की गंदगी जमी हुई है, और पापों की गंदगी को साफ करने के लिए ये जो भगवान की वाणी रूपी अथवा भगवान की वाणी के जो शब्द हैं वह साबुन का काम करते हैं, अर्थात उस गंदगी को साफ करते हैं, और गंदगी को साफ कर देते हैं तो जर मरण वाही हरण बुढ़ापा मृत्यु व्याधि सब दूर होते हैं। इनको दूर करने वाली जिनवाणी है क्षय करणम शब्द दुखारा, संपूर्ण दुखों का क्षय, संपूर्ण दुखों का समापन जिनवाणी से होता है। तो आप और हम सब लोग जिनवाणी को सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हम मानते हैं लोग कहते हैं हम सोना चढ़ाएंगे, हम मानते हैं लोग कहते हैं हम चांदी का द्रव्य चढ़ाएंगे, हम मानते हैं लोग कहते हैं हम बहुत सुंदर सुंदर द्रव्य चढ़ाएंगे, लेकिन आपको नंबर वन पुजारी का कभी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आचार्यों ने श्रेष्ठ पुजारी किसे कहा है? जिसने अच्छी द्रव्य चढ़ाई उसे कहा, जिसने कमल पंखुड़ी ले जाकर के पूजा की उसे कहा। तो क्या है यदर चा भावे ने प्रमुदित मना दर दुर्गे चढ़ा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लवंते सद भक्ता शिव सुख समान जम किंकरा महावीर स्वामी नयन पथ गामी भव दूंगे। इसी श्लोक से समझो यदर चाहता उस मेढक भगवान महावीर का समो शरण लगा हुआ है। राजा श्रेणी ने निडोरी पिटवाई कि समो शरण लगाए सब दर्शन को चलेंगे, तो सब लोग चले गाजे बाजे के साथ, लेकिन मेढक को नहीं रहा गया, क्योंकि वो मेढक बापजी था, पुराने जमाने का सेठ था, समझ गए ना, सेठ की मेढक बन जाते हैं, ज्यादा मायाचारी करोगे तो मेढक ही बनोगे। कुआ में टर टर करना पड़ता है, तो टर टर ना करना पड़े, मेढक ना बनना पड़े, तो मायाचारी से दूर रहना चाहिए, समझ गए जाओ। तो वो क्या हुआ, मेढक ने बावड़ी से एक पत्ती कमल की तोड़ी, मुंह में दवाई फुदक फुदक दे जा रहा था, वहां से राजा श्रेणी का हाथी जा रहा और मार्ग में हाथी के पैर के तले दबकर मर गया। मर गया भाइयों, वो मेढक राजा श्रेणी से पहले देव बन के महावीर के समोसरण में उपस्थित हो गया, और उसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह देखकर राजा श्रेणी ने प्रश्न कर दिया कि ये कौन है। तब भगवान महावीर की वाणी से ये बात आई, ये वही भक्त जीव है जो एक पांखुड़ी लेकर भगवान की भक्ति करता है। तो मेरा कहना यही है कि पूजन में भी दिखावा नहीं होना। आज एक संकेत और दे रहा हूं सुधांशु को भी कि इसको पकड़ के उसको पकड़ के अपना टाइम नहीं गंवाना। आप पूजा करो, स्वयं पूजा में समर्पण करो, दूसरे की ओर ध्यान करते रहोगे और अपनी विधि को चूक जाओगे तो भैया अषाढ़ का चूका बोलो नहीं बता सकते।
असाड़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर हमेशा पछताता है। जब समय आता है और उसी समय चूक गए तो निश्चित रूप से फल नहीं मिलता है। हमें अवसर मिला है, हमें भक्ति करना है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, आदिदम ही कादपम जम सकई परिदम च कादपम आदि परिदा दो आदिदम सुद्धु कादपम। लोक व्यवहार में तो आप लोग कहते हो ये स्वार्थी है, ये स्वार्थी है। स्वार्थी होना बहुत श्रेष्ठ कार्य है। कैसा स्वार्थी? आत्मा का अर्थी। स्वार्थी माने स्व माने अपनी आत्मा को समझने वाला। दूसरे के चक्कर में पड़े पड़े हमने अपना सब कुछ खो दिया। तो कहते आदिदम, मैंने कहा ये भगवान की वाणी में ये जो गाथा है साक्षात भगवान महावीर के मुख से निकली हुई गाथा है। गौतम गणधर स्वामी ने इसको बोला है और सब आचार्यों ने इसे ग्रहण करके उद्धृत किया है। कुंद कुंद की गाथा नहीं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नहीं लिखी। किसने बोली? भगवान महावीर ने बोली। क्या बोली? फिर सुनो, ये गाथा जरूर सुनना। आदिदम ही कादब्बम आत्महित करना चाहिए। जम सक कई अगर समर्थ हो पर हिदम कादब्बम तो दूसरे का हित भी करो। समय मिले सामर्थ हो तो परहित करो। आदिहित परहिता दो, आत्महित और परहित में दोनों की तुलना में आदिहितम शुद्ध का अपने हित की प्रधानता दो। अपने लिए जरूर विचार करो, आत्मा के कल्याण का अवसर मिल रहा है तो जरूर। दो सामने प्रश्न खड़े हैं, यक्ष प्रश्न। एक व्यापारी आया है और एक मंदिर का समय है, तो व्यापारी को आपको समय ना देकर मंदिर में जाने का समय अपनाना चाहिए। प्रधानता किसको दी? आत्महित। हम पहले अपना कल्याण करेंगे, इस सब पर द्रव्यों का संयोग होगा और सब छूट जाएगा। इसलिए ये जो अवसर आया है आषाढ़ पर्व में, भक्ति का अवसर आया है, ज्ञान का अवसर आया है। एक समय आता है, मौसम जानते हो ना, मौसम आता है और मौसमी फल स्वादिष्ट है, समझ गए? तो ये किस चीज का मौसम है? ये ज्ञान का मौसम है। हमें ज्ञान अर्जन के लिए अवसर मिला है और हमें भक्ति करने का अवसर मिला है, तो हमें ज्ञान का भी उपार्जन करना है और भक्ति भी करना है और दोनों के माध्यम से कर्मों का क्षय करना है। हमेशा प्रयत्नशील रहो और आत्महित के कार्य करो, कल्याण होगा। आज हम सिद्धों की आराधना में इसी बात की प्रेरणा प्रदान करते हैं। भक्त जीवो, सिद्धों की आराधना आत्म आराधना से ही फलवती होगी। इस बात को ध्यान रखो, सिद्धों की आराधना आत्म आराधना से ही फलवती होती है। सिद्धों की आराधना किस लिए कर रहे? सिद्धों की आपको जरूरत है आपकी आराधना का। सिद्ध तो एक निमित्त है, भगवान पार्श्वनाथ आपको नहीं सुन रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ को आपके द्रव्य नहीं चाहिए, भगवान पार्श्वनाथ को आपके गुणगान नहीं सुनना। भगवान पार्श्वनाथ रूपी अवलंबन से हम अपनी आत्मा का गुणगान कर रहे हैं। किसका गुणगान कर रहे हैं? निज आत्मा का गुणगान कर रहे हैं। किसका लाभ ले रहे हैं? निज आत्मा का लाभ कर रहे हैं। किसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? निज आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं। तो संपूर्ण दोषों को छोड़कर निज आत्मा के वैभव में डूबो। किस वैभव में डूबो? सारे वैभव में नहीं डूबो, इन इस समय निज आत्मा के जितने भी क्षण मिल जाए फिर तो डूबो नहीं रहे, नहीं है वर्षों जीवन भर, लेकिन दो चार घंटे, एक घंटा, आधा घंटा, जो भी समय अपन को मिलता है तो
आप वैभव में डुबकी लगाओ, डूबो लगाओ डुबकी। एक वाक्य है, डूबो लगाओ डुबकी। किसकी किताब है ये? आचार्य गुरुवर का यही स्लोगन है, उन्हीं की पुस्तक है डूबो लगाओ डुबकी। उनकी एक पुस्तक पढ़ना, तोता क्यों रोता। गुरुदेव की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर किताबें हैं विद्यासागर महाराज की। इस युग के एक मानक है, इस युग में जो दे गए हैं वो विलक्षण दे गए हैं, और यही कारण है सारा विश्व उनकी उस ज्ञान की कीमत करता है। मैं एक बात कह रहा हूं, 98 लोगों को शोध कार्य करना आचार्य विद्यासागर के ऊपर, ना तो किसी ने आइंस्टीन पर इतना शोध किया, ना कालिदास पर इतना शोध किया, इतनी रिसर्च किसी पर नहीं हुई जितनी रिसर्च विद्यासागर के ऊपर हुई। आज भी यूनिवर्सिटियों में 98 लोगों ने डिजर्टेशन और थीसिस लिखी है, 13 PhD हुए विद्यासागर जी के ऊपर, और बाकी डिजर्टेशन लिखी गई। डिजर्टेशन कब लिखी जाती है? एमए में एक कोर्स होता है, एक पुस्तक लिखी जाती है एमए में, और कोई एक पेपर ही होता है, कुछ बच्चे देते हैं, तो ऐसे बच्चों ने उनके ऊपर एक किताब लिखी है आचार्य गुरुवर के ऊपर। तो ये हम सब चीजें कहते हैं, ज्ञान तोता क्यों रोता। समझे नहीं अभी भी नहीं समझे? तोता, तोता माने हे आत्मा क्यों रोता, क्यों रो रहा है तोता, क्यों रोता अर्थात हे आत्मा क्यों भटक रहा है। निज में निज को जान और रोना छोड़, परम सुख को प्राप्त कर। परम सुख प्राप्ति निज में निज की डुबकी लगाने पर। डूबो कहाँ डूबो? पानी में नहीं डूबो, चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए नहीं कहा उन्होंने। डूबो लगाओ डुबकी, डूबो मतलब अपनी आत्मा में डूब जाओ, अपनी आत्मा में ही डुबकी लगाओ। कभी 5 मिनट को लगाते तो देखो डुबकी क्या आनंद आता है, बहुत आनंद। जो बहने सुबह सुबह सामायिक में बैठती हैं, ध्यान करती हैं, जो भाई ध्यान करते हैं, उनसे कभी सुनो उस ध्यान का क्या आनंद है। उस आनंद के क्षण को कोई नहीं कहता। हम लोग बैठते सामायिक के काल में बैठो, 2 मिनट के लिए भी बैठते हैं तो परम आनंद का अमृत मिलता है, बहुत सुख की प्राप्ति होती है। तो डूबो लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता है। हे भक्त जी संसार में मत भटको, अवसर आया है और अपने आप को प्राप्त करो, अपनी आप में ही डुबकी लगाकर आनंद की प्राप्ति करो। बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।